नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैपिटल इन्फो में। आज बताने जा रहे हैं कि माह जून के पोषण का पोषाहार का टोकन सत्यापन की तिथि बढ़ा दी गई है, तो उस तिथि को क्या कहा गया है, पढ़ते हैं सीधे। तो पत्र है 31-75-30-6-2021, अनुसरण पदाधिकारी द्वारा भेजा गया है सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को। ये बार बार कहा है इसीलिए जल्दी से बता दे रहे हैं, इसमें समय नहीं लेंगे आपका ज़्यादा। इसमें है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर माह जून 2021 का पोषाहार प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली की तिथि विस्तारित करने के संबंध में, तिथि विस्तारित कर दी गई है। उपरोक्त विषय के संबंध में उपरोक्त विषय के प्रासंगिक पत्र के द्वारा राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार का वितरण टोकन प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। ये सभी लोग को पता है ऑलरेडी। निर्देशानुसार 3 से 6 वर्ष के लाभुकों को कूपन अब्लिक टोकन प्रणाली से विलोपित किया जाता है। 3 से 6 वर्ष के लाभुकों को कूपन अब्लिक टोकन से विलोपित किया जाता है। साथ ही COVID-19 आपदा को देखते हुए शेष कूपन टोकन अप्राप्त वाले लाभार्थियों को माह जून 2021 का पोषाहार दिनांक 5-7-2021 तक पूर्ण करते हुए पोषाहार वितरण प्रतिवेदन 2 दिन के अंदर उपलब्ध कराया जाए। समझ लीजिए क्या कहा गया है। विलोपित मतलब होता है कि उसको तत्काल रोक देना। तो 3 से 6 वर्ष के लाभुकों का जो कूपन और टोकन प्रणाली था उसको तत्काल रोक दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। साथ ही COVID-19 आपदा को देखते हुए शेष कूपन अब्लिक टोकन अप्राप्त वाले लाभार्थियों को माह जून 2021 का पोषाहार 5 तक पूर्ण रूप करते हुए पोषाहार वितरण प्रत्येक 2 दिन के अंदर उपलब्ध कराया। मतलब कि आपके द्वारा जिसका दिया गया ठीक है, जिसका नहीं दिया गया वो भी ठीक है, जितना शेष बचा है अभी आपको 5 जुलाई 2021 तक पूर्ण रूप से वितरण कर देना है। समझ गई। मतलब कि अब टोकन भुला जाइए, लेकिन तुरंत के तुरंत पोषाहार वितरण कर दीजिए। टोकन आया हो नहीं आया हो सबको दे देना है। अतः सभी महिला पक्षिकाएँ आंगनबाड़ी सेविकाओं को निर्देशित दिया जाता है कि माह जून 2021 का 100% पोषाहार निर्बाध रूप से वितरण कराना सुनिश्चित करें। मतलब अब टोकन की झंझट खत्म, तत्काल प्रभाव से और जल्दी से जल्दी वितरण करिए। दूसरी बात है कि पोषण ट्रैकर में भी लगना होगा। पोषण ट्रैकर का भी निर्देश आ रहा है कि 1 जुलाई से लागू होगा और उसी के माध्यम से आपको पोषाहार मिलेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए और आप अपना समय देने के लिए। छोटा वीडियो ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।